दिस इज डॉक्टर कृष्ण. आई एम कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली. आई एम को कन्वेनर एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. आई एम ऑथर टू 55 मेडिकल बुक्स. आज हम बात करेंगे, एक बहुत कॉमन इशू है, लोगों को एसिडिटी होती है, गले में जलन होता है, GERD वगैरह की कुछ भी समस्या हो वो कुछ टाइम ट्रीटमेंट लेते हैं या ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, फिर उनकी एक आदत हो जाती है कि पेंटोप्रेजोल या ऐसे टैबलेट जैसे न्यूपेंटा है ऐसे टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लेते रहते हैं, ओवर द काउंटर खरीदते रहते हैं. इससे नुकसान क्या होता है, ये जो पेंटोप्रेजोल या कोई भी PPIs है उनके बहुत ज़्यादा नुकसान है. अगर आप विदाउट मॉनिटरिंग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप लॉन्ग टाइम तक ले रहे हो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं. ऐसा भी नुकसान होता है, कईयों को हार्ट अटैक से डेथ भी हुई है इन मेडिसिन के लॉन्ग टर्म यूज़ से. तो कुछ नुकसान है जो कॉमनली होते हैं, लोगों को पता नहीं होता और अनजाने में मरीज काफ़ी टाइम लेता है, फिर जब कॉम्प्लिकेट कर जाता है, जब ICU में जाता है, ICU में लैंड अप होता है. तो जो इनसे काफ़ी नुकसान होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो जो पेंटोप्रेजोल या कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टाइप्स दवाइयाँ होती हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देता है, दिल पे बहुत बुरा असर होता है, उससे हार्ट अटैक भी आगे आ सकते हैं. इसके साथ साथ हमारा जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करता है. कैल्शियम करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं लॉन्ग टर्म टाइम तक यूज़ करते करते, और इससे जो हमारा गट का जो फ्लोरा है वो भी इफेक्ट होता है, लूज मोशंस वगैरह रह सकती है. स्पेशली क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल इंड्यूस्ड जो लूज मोशंस होती हैं वो होती हैं, और जो हमारा जो जो गट का मोबिलिटी होता है वो भी लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने से अफेक्ट होता है. ये कुछ और किडनी में भी इसका बड़ा असर है. किडनी में ये बहुत निगेटिव असर, लॉन्ग टाइम में इससे किडनी फेलियर ये सब हो सकती है. सो ये दवाई ऐसा नहीं है कि एकदम ही नुकसान है आप लोगों के तो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप मतलब कि लॉन्ग टाइम मतलब कि एक एक महीने दो दो महीने आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लो. फॉर वन टाइम के लिए ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप OTC ओवर द काउंटर है तो ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मत लो. लॉन्ग टाइम अगर लेना है तो आप अपने डॉक्टर्स से सलाह लो. इवन ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मैग्नीशियम के लेवल को कम करते हैं, जिसके हमारे हार्ट के फंक्शन में बहुत बड़ा रोल है. तो ये सब आपको ध्यान देना है कि ये सब अगर आपको लॉन्ग टाइम तक चलाना पड़ रहा है तो आपके डॉक्टर्स सीरियली इलेक्ट्रोलाइट्स सीरम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे. सो ये एज अ मरीज हमें ध्यान रखना है, एज अ पेशेंट हमें ध्यान रखना है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यू ऐसे लॉन्ग टाइम तक ना लिया जाए. धन्यवाद.